सीबीआई को जब स्टेटमेंट लिखवाया तो उसमें ये बात स्पष्ट कह दिया है कि ये मर्डर भी हो सकता है। सुशांत के घर सीबीआई को मिला बड़ा सुराग। ताला तोड़ने वाला मिला, ताला बंद किसने किया? खाना बनाते हैं हमारे घर में तो केशव, वो आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाज़ा बंद है, वो खोल नहीं रहे। तो वी गॉट वरीड, मतलब जनरली उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता है। ठंडा से जैसे मैंने दरवाज़ा बस एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। सुशांत की मौत पर कौन छिपा रहा है सच? जो स्टाफ वहाँ पर हैं उनको अच्छे से हम समझते हैं कि सख्ती से पूछने की आवश्यकता है, सख्ती से पूछने के बाद बहुत कुछ निकलेगा। 14 जून के राज खोलेगी जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन। सुशांत सिंह राजपूत का डबल स्टोरी फ्लैट होता है किराए का, इतनी महंगी जगह 4.5 लाख रुपए उसका किराया होता है, लेकिन जिस कमरे में वो होते हैं उसकी चाबी ही गायब है। सुशांत के बंद कमरे का रहस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी आज मुंबई के बांद्रा में मौजूद सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। सीबीआई की टीम का मकसद यह पता लगाना था कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस घर में क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में आज भी ऐसे राज छिपे हुए हैं जिनसे अब तक पर्दा नहीं हट पाया है। एक ऐसा ही राज है जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसकी चाबी कहां गई। आखिर क्या है सुशांत के बंद कमरे का रहस्य? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य को खोलने के लिए आज सीबीआई की टीम बांद्रा में मौजूद सुशांत सिंह राजपूत के उस घर में पहुंची जहां 14 जून को उनकी मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू सहायकों ने दावा किया था कि उस दिन कमरा अंदर से बंद था और जब कमरा खोला गया तो सुशांत सिंह राजपूत का शरीर पंखे से लटकता दिखाई दिया। लेकिन इस थ्योरी पर अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को भरोसा नहीं है। मतलब इतनी खामियां हैं सारे इन्वेस्टिगेशन और सारे उसमें कि परिवार को उसके बाद लगा कि जरूर इसमें कोई फाउल प्ले है और हो सकता है मर्डर भी हो, और इसीलिए सीबीआई को जब स्टेटमेंट लिखवाया तो उसमें ये बात स्पष्ट कह दिया है कि ये मर्डर भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सुशांत के परिवार का शक कितना सही है। क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को कुछ बहुत गलत हुआ जैसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी यह जानने की कोशिश की और जो कुछ मालूम चला वो हैरान करने वाला था, क्योंकि इस ओर अब तक किसी का ध्यान गया ही नहीं, ना ही गवाहों से अब तक इस बारे में कोई पूछताछ की गई। लगातार जी न्यूज आपको अपडेट दे रहा है कि जितने भी मेंबर्स आए हैं सीबीआई टीम के, उन्होंने जो खुद गए हैं घर के अंदर जिस घर में ये सुसाइड हुआ और वहां का अब सीन को जो है क्राइम सीन को वापस से रिक्रिएशन उस वक्त चल रहा है। हम लगभग ऐसे ही एक फ्लैट में आए हुए हैं और हम उसकी ऊंचाई और चौड़ाई आपको समझाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो बात हो रही है, जो बार बार सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का डबल स्टोरी फ्लैट होता है किराए का, इतनी महंगी जगह 4.5 लाख रुपए उसका किराया होता है, लेकिन जिस कमरे में वो होते हैं उसकी चाबी ही गायब है या नहीं मिल रही होती है। ऐसे वक्त में जब पता चल रहा होता है या अंदेशा होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ बुरा होने वाला है। सुशांत के कमरे का लॉक होना, सुशांत के कमरे की चाबी का गुम होना क्या एक संयोग था या फिर इसके पीछे बड़ी साजिश थी? 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद लोगों की गवाही सुनवाते हैं। आखिर सुशांत की बॉडी को फंदे पर लटका देखने से पहले क्या क्या हुआ? जो सर के जो दोस्त थे सिद्धार्थ और वो दीपेश, फिर उन लोगों ने भी ट्राई किया दोनों ने थोड़ा थोड़ा, फिर ताला चाबी वाले को जैसे बुलाया तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो क्योंकि जो अंदर तक थे वो
दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा चलेगा लॉक तोड़ दो। दरवाज़ा खोलते ही हमने चाय वाले को बेच के, सो मी एंड माई फ्रेंड दीपेश वी वेंट टू सी सुशांत इन द रूम। जो कहानी सुनाई गई उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह के नाश्ते में जूस लिया और अपने कमरे के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब कुक सुशांत दोपहर के खाने के बारे में पूछने गया तो दरवाजा बंद मिला। कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुलने पर कुक ने यह बात सिद्धार्थ पिठानी को बताई, जो सुशांत के घर में साथ ही रहते थे। इसके बाद घर में मौजूद सुशांत के कुक नीरज कुमार और केशव बचनेर के अलावा सिद्धार्थ पिठानी और घर के केयरटेकर दीपेश सावंत ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। सुशांत की बहन को फोन करके पूरी कहानी बताई गई। रूम की दूसरी चाबी भी नहीं मिली तो चाबी वाले को बुलाकर बहन के पहुंचने से पहले ही ताला तोड़ दिया गया। लेकिन अब ये पूरी कहानी भी शक के घेरे में है। अब हम आपको बताते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद किया गया हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है संवाददाता अंकुर त्यागी, जो 14 जून से लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और अंकुर त्यागी के साथ मौजूद हैं नीलोत्पल मृणाल, जो सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक मित्र हैं, जो सुशांत की मौत के बाद उस कमरे में जा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो इंपॉर्टेंट आती है गेट लॉक। मेरे साथ इस वक्त नीलोत्पल जी हैं। नीलोत्पल जी ने वो जगह देखी भी है, वो घर भी देखा हुआ है, वो लॉक भी है। नीलोत्पल मुझे इतना समझाइए कि ये जो लॉक है ये उस लॉक के बराबर है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में लगा हुआ था। इसमें अगर आपको अगर ये अंदर से लॉक करना है तो आप इस डोर को खोल के इसमें चाबी डाल के बाहर से भी इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से लॉक हो जाएगा ये डोर। यानी सुशांत सिंह राजपूत का कमरा बाहर से भी लॉक किया जा सकता था। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने कमरे के बाहर जाकर भी ये समझने की कोशिश की, क्या सुशांत के कमरे को बाहर से लॉक किया जा सकता था। देखिए, अगर इस संभावना पे इंतजार कि अगर गौर फरमाया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के अलावा भी अगर उस दिन कमरे में कोई और होगा या हो सकता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि गेट जो बंद था और उसको तोड़ा गया, उसका कंप्यूटराइज गेट जो लॉक था वो। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर सुशांत सिंह हैं और जैसे कि नीलोत्पल जी हमको समझा रहे हैं, नीलोत्पल जी अगर आप जाएंगे, मान लीजिए आप बाहर जाइए एक बार, तो मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इस वक्त जो गेट है अंदर से बाहर आया है, बाहर ही अब ये गेट लगाया गया, उसको मैं अभी लॉक हो गया बाहर, ये पूरी तरह लॉक हो गया, ये कंप्यूटराइज्ड गेट है। हाँ, ये कंप्यूटराइज्ड गेट है। हाँ। अब ये बंद हो गया तो अब ये बाहर से भी बंद दिख रहा है, कोई खोल नहीं सकता। यानी इस बात की संभावना भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया हो, क्योंकि इस तरह के ताले की एक नहीं कई चाबियां होती हैं। बेसिकली शक जो जाहिर हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो घर था, इतना महंगा घर जिसका 4.5 लाख रुपए पर मंथ का वो पेमेंट करते हैं, किराया देते हैं, उसकी डोर की चाबी नहीं मिल रही है। कितने सेट होते हैं अमूमन इस तरह की चाबियों के? इसमें करीब आप देखेंगे इसमें 4 हैं, तो जनरली इसमें ज्यादा ही चाबी होता है, 3-4, कम से कम 4 चाबी तो होता ही है। मतलब हम पकड़ के चले 3 सेट तो होते ही होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का गेट नहीं खुल रहा था तो दूसरी चाबी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ये सवाल हमने 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से भी पूछा था, तो सुनिए जवाब में हमें क्या बताया गया। हम ऊपर गए, बहुत कोशिश करा दरवाजा खोलने की, चाबी ढूंढने की कोशिश किया, अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट अ की टू द रूम। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और नीरज का यही जवाब हैरान करता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मकान का केयरटेकर दीपेश सावंत भी वहां पर मौजूद था। सवाल यही उठता है कि आखिरकार सुशांत के रूम में लगे कंप्यूटराइज्ड ताले की बाकी चाबियां कहां गई, जबकि ऐसे ताले की 3 या 4 चाबियां होती हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सुशांत के परिवार के उन दावों को मजबूत करते हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत जब 14 तारीख को जब पता चलता है कि वो अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, ना वो फोन पे रिप्लाई कर रहे हैं, ना किसी तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं,
तो फिर चाबी कहां गई, अगर 3 या 4 सेट की चाबी होती है तो? ये एक सबसे बड़ा सवाल है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास भी, और ये भी एक थ्योरी है जिस पर भी विचार विमर्श चल रहा है, जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने सुशांत केस का सच जानने के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित सुशांत के घर से लेकर कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स तक गहरी छानबीन की। सीबीआई टीम को सुशांत के घर पहुंचकर क्या पता चला और सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने सीबीआई की टीम को वो कौन सा चौंकाने वाला सच बताया जिससे इस केस में नया मोड़ आ गया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर, जांच के दूसरे दिन ही सीबीआई को पता चला चौंकाने वाला सच। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बड़ा खुलासा, किसके इशारे पर जल्दबाजी में किया सुशांत का पोस्टमार्टम, ये वो गंभीर सवाल है जिनके जवाब सुनने के बाद सीबीआई की टीम को सुशांत की मौत का सच जानने में बड़ी मदद मिलने वाली है। हम ये खुलासा आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले सुशांत केस से जुड़ी एक और अहम जानकारी, सुशांत सिंह राजपूत के घर से एक्सक्लूसिव तस्वीर। जांच के दूसरे दिन सीबीआई की टीम मुंबई के बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पहुंची। माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में सुशांत के घर पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने के लिए सीबीआई की टीम इस समय सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंच चुकी है सीएफएसएल की टीम के साथ, और जो उसका कुक है, दोस्त है, उन सभी लोगों को लेकर के सीबीआई की टीम यहां पर इस समय सुशांत सिंह राजपूत के घर पर है। और यही वो वक्त है जब सुशांत सिंह के घर में जा करके सीबीआई सीएफएसएल की टीम के साथ पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी, यानी कि ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई है, क्या उसने आत्महत्या की है तो किस तरीके से हुई है, और इसी घर के अंदर जा करके सीएफएसएल की टीम के साथ उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। सीबीआई की टीम जिन अहम गवाहों को साथ लेकर सुशांत के घर पहुंची थी, सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराना जरूरी है। सीबीआई की टीम अपने साथ सुशांत के कुक नीरज को लेकर पहुंची थी। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी सीबीआई की टीम के साथ थे। इसके अलावा सुशांत के नौकर दीपेश सावंत भी सीबीआई के साथ सुशांत के फ्लैट पहुंचे। सीबीआई सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को घर की छत पर भी लेकर गई। आप जी न्यूज पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, और जिस रिक्रिएशन की हम लगातार बातचीत कर रहे थे वो रिक्रिएशन शुरू हो गया है। जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं, इकट्ठा कर लिए गए हैं। पूछताछ के बाद जो एक ब्यौरा तैयार किया गया, और अब ये जो छत आपको मेरे फ्रेम में दिख रही है और जो खिड़की दिख रही है, यहीं पर सीबीआई की टीम है और हर एक बारीकियों पर पैनी नजर है। हर एक मिनट, हर एक घंटे की वो चर्चा, गहन चर्चा अंदर जा रही है, ताकि उससे इन्वेस्टिगेशन जो है और इम्प्रूव हो सके और सही दिशा में आगे बढ़ सके। घर की छत पर भी जो सीबीआई के अफसर हैं कई बार मुआयना करके गए हैं। कोई भी गुंजाइश, कोई भी कमी वो इस केस में नहीं छोड़ना चाहते हैं। सुशांत के घर पर मौत का सीन दोबारा रिक्रिएट करने की ये पूरी कार्रवाई लंबे समय तक चली। यहाँ से जो भी बड़ी जानकारी सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, लेकिन अब कूपर अस्पताल से दिन का सबसे बड़ा खुलासा सुन लीजिए। जांच के दूसरे दिन सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल भी पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने कूपर अस्पताल में डीन के सामने उन 5 डॉक्टरों से कई सवाल पूछे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टरों ने सीबीआई के अधिकारियों के सामने क्या खुलासा किया, मौके पर मौजूद रहे जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा से एक्सक्लूसिवली सुनिए।
डॉक्टर से पूछताछ की है, करीब 5 घंटे पूछताछ की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि पोस्टमार्टम के बाद क्या निकला था, किस हालात में पोस्टमार्टम किया गया था, और डॉक्टर्स ने बताया कि बिना कोविड की रिपोर्ट आए ही देर रात ही पोस्टमार्टम कर दिया गया था, और मुंबई पुलिस के कहने पर पोस्टमार्टम किया गया था। तो निश्चित तौर पर CBI को कहीं ना कहीं ये एक बात अजीब सी लगी है। हालाँकि जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसको पूरी तरह से एनालाइज किया जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनका ये कहना और इस तरीके से मुंबई पुलिस के दबाव में आकर के ये पोस्टमार्टम देर रात ही कर देना और बिना कोविड की रिपोर्ट आए ही, तो कहीं ना कहीं ये CBI एक शक पैदा कर रही है। CBI को इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं एक शक पैदा हुआ है। CBI की जांच के दूसरे दिन जी न्यूज को सबसे बड़ी और प्रामाणिक जानकारी मिली, और कूपर अस्पताल के डॉक्टरों के इस बड़े खुलासे के बाद मुंबई पुलिस की भूमिका एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। मुंबई से जितेंद्र शर्मा के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची CBI की टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट करके यह पता लगाने की कोशिश भी की कि आखिरकार 14 जून को सुशांत के कमरे में क्या क्या हुआ। सुशांत के परिवार को उस दिन घर में मौजूद लोगों की खुदकुशी वाली थ्योरी पर यकीन नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल सुशांत सिंह राजपूत की फांसी लगाने पर खड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो घरेलू सहायकों के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर में पहुंची CBI, वहां सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को लेकर पहुंची थी। ये दोनों 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त घर पर मौजूद थे। सिद्धार्थ और नीरज ने 14 जून की पूरी कहानी जी न्यूज को भी बताई है। अब CBI भी इन दोनों से पूछताछ कर रही है, और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इन दोनों के बयानों को जांच की कसौटी पर भी कसेगी। फिलहाल नीरज और सिद्धार्थ ने सुशांत की मौत के बारे में जो कुछ भी बताया है, उससे सुशांत सिंह राजपूत का परिवार संतुष्ट नहीं है। जैसे ही FIR दर्ज हुआ, जिस तरह से पिठानी ने पलटी मारी कि परिवार तो बिल्कुल हिल गया। परिवार को लगा कि अगर ये आदमी झूठा है, फिर तो सब कुछ ही झूठा है, फिर वो सारे बात हमारे सामने नजर आने लगे कि वो गले का निशान जो है वो उस कपड़े से नहीं हो सकता। सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह के वकील विकास सिंह के मुताबिक खुदकुशी की कहानी में कई पेंच है। सुशांत के परिवार के आरोपों के बाद जी न्यूज ने भी ये समझने की कोशिश की, क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में उनके बिस्तर की ऊंचाई और सुशांत की हाइट इसके लिए काफी थी कि वो पंखे की रॉड में फंदा लगाकर खुदकुशी कर सके। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सुशांत के लिए फांसी लगाना इतना आसान नहीं था। हम आपको ऐसे ही एक रूम में लेकर आए हैं कि आपको सिर्फ एक आइडिया दे सके। ये पूरी तरीके से एक हम रिक्रिएशन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस होगा। अब अगर मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं, मेरी खुद की अपनी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फुट 1.5 इंच के आसपास है। ये बेड से लेकर पंखे तक की जो ऊंचाई होती है, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में नोटेड है सुशांत सिंह राजपूत के, वो 5 फुट 11 इंच के आसपास थी। अंकुर त्यागी ने इस कमरे के पंखे से बिस्तर तक की लंबाई नाप कर भी यह पता लगाने की कोशिश की कि खुदकुशी की थ्योरी कितनी मजबूत है। तो लगभग देखिए, ये जो ऊंचाई है 5-9 की है, और सुशांत सिंह राजपूत का जो बेड था और उसके फैन के बीच में जो ऊंचाई थी 5-11 की थी। सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट है, कई बार उनके इंटरव्यूज में हमने सुना है 6 फुट की हाइट उन्होंने बोली है, बताई हुई है। ऐसे में जो संशय है वो लगातार इस बात को लेकर है कि इतनी जो हाइट कम थी एक्चुअल हाइट से, तो फिर सुसाइड का कंसेप्ट कहां से आता है। CBI की टीम ने भी आज सुशांत सिंह राजपूत के घर क्राइम सीन रिक्रिएट करके ये जानने की कोशिश की है, जो कहानी सुशांत के दोस्त और कुक नीरज ने सुनाई है उसमें कितना दम है। CBI टीम के साथ सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और घर का केयरटेकर दीपेश सावंत भी मौजूद थे। इस दौरान सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की एक्सपर्ट टीम भी CBI की टीम के साथ मौजूद थी। इस दौरान मुंबई पुलिस की वो टीम भी सुशांत के घर पर मौजूद थी जो सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले घर पहुंची थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा सच CBI जांच के बाद ही सामने आएगा, और जिस तरह से मुंबई पहुंचने के बाद CBI ने बेहद रफ्तार से कार्रवाई शुरू की है, सुशांत को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। अंकुर त्यागी के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।